हम हीरों के हारों से क्या कर देंगे, तोल देंगे, तोल देंगे। ये हा है इस बंदे का कोई दीन धर्म। Hi guys, welcome back to my channel and welcome back to the another video. I am so sorry guys कि मैं आपको बहुत ज़्यादा दिनों के बाद मिल रही हूँ। इसके पीछे काफ़ी सारे reasons हैं, वो जैसे जैसे हम vlog बनाते रहेंगे and मैं आपको बताती रहूँगी कि मैं इतने दिनों तक कहाँ थी गायब और क्यों मेरे vlogs नहीं आ रहे थे, वो मैं सारा कुछ बताऊँगी इस vlog में। तो आज आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आज ऐसा लग रहा है कि दैट आई एम फाइनली बैक विद माय यूट्यूब फैमिली। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे, सीरियसली आप चाहे मानो चाहे नहीं मानो, मुझे दिल से आज बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है गाइस। तो जल्दी से इस व्लॉग को हम लोग शुरू करते हैं। इस व्लॉग में मैं आज आपको क्या बताने वाली हूँ, इस व्लॉग में मैं आपको दिखाने वाली हूँ रेसिपी ऑफ द अमृतसरी छोले। अमृतसरी नान आप लोगों ने खाए होंगे, कुलचे छोले आप लोगों ने खाए होंगे। जो वाइट चनों की रेसिपी है वो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वो अमृतसरी छोले और नान कुलचे वगैरह में जो भी चने यूज़ करते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं। तो जल्दी से चलते हैं हम अपनी किचन में, क्योंकि आज मेरी किचन मेरा वेट कर रही है। तो लेट्स गो इन एंड हम लोग देरी नहीं करते, लेट्स गेट स्टार्टेड विद अवर न्यू वीडियो। तो चलते हैं हम किचन में। है वाइट चने जो मम्मा ने रात को भिगो कर रख दिए थे। अब मैं क्या करूंगी, मैं सिर्फ जो ये रात वाला पानी है इसको फेंक कर मैं ताज़ा पानी डालूंगी। लगभग मैं 1 से 1.5 लीटर पानी इस चनों में डालूंगी। तो फटाफट से मैं चने वॉश कर लेती हूँ एंड उसका पानी चेंज कर लेती हूँ। लो जी, मैंने यहाँ पे चने वॉश कर दिए और इनका पानी बदल दिया है। और साथ ही हम इसके साथ लेंगे 2 बड़े प्याज जो मैंने लंबे काट लिए। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ लहसुन की ये 5-6 कलियाँ। और ये हम लोग साबत ही लहसुन और ये कटा हुआ प्याज हम लोग इस कुकर में ऐड कर लें। इसके साथ ही मैं डाल रही हूँ यहाँ पे 1 चम्मच लगभग अजवाइन का, और साथ में मैं ऐड कर रही हूँ स्वाद अनुसार नमक। यहाँ पे मैंने मलमल के 2 कपड़े ले लिए हैं और इसमें एक में डालेंगे हम चाय पत्ती। चाय पत्ती के हमें लगभग 4 से 5 स्पून डालने हैं, 3 हो गए, ये 4 एंड ये 5। दूसरे कपड़े में यहाँ पे ले लिया है मैंने साबुत 2 बड़ी इलायची, साबुत काली मिर्चें, लौंग, तेज पत्ता और साथ में मैंने ली है ये दालचीनी। अब इन दोनों को हम पोटलियों में बांध लेंगे अलग अलग। यहाँ पे मैंने 2 पोटलियाँ तैयार कर ली है। ये है मेरी चाय पत्ती वाली पोटली जो मैं इसमें डाल दूंगी कुकर में, और है ये मेरे सूखे मसाले, ये भी पोटली में डाल दूंगी। अच्छी तरह से इसको हम कड़छी की हेल्प से हिला देंगे। ये मैंने कुकर बंद करके रख दिया है और मैं साथ में कर देती हूँ इंडक्शन ऑन। तक हमारे चने होते हैं, हम लोग वेट करेंगे 4 विसल आने का। तो उसके बाद हम लोग एक बार थोड़ी देर के लिए अपना इंडक्शन है वो सिम पे रख देंगे, और फिर 10-15 मिनट के बाद हम लोग अपना जो इंडक्शन है उसको बंद करके स्टीम निकलने का इंतज़ार करेंगे। तो मीनवाइल हम लोग फ्री नहीं बैठेंगे, अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो हम लोग अपना तड़का तैयार कर लेते हैं। तड़के के लिए हमें यहाँ पे चाहिए 4 बड़े टमाटर जो मैंने अच्छी तरह से वॉश करके इसमें रख लिए, और इनको बड़े बड़े टुकड़ों में हम काट के इसको ग्राइंड करेंगे। तो चलो दोस्तों, जब तक हमारे चने बॉईल हो रहे हैं तब तक हम अपने तड़के का प्रबंध कर लेते हैं। इसके लिए हमें एक चाहिए कढ़ाई, और कढ़ाई में हम लोग डालेंगे देसी घी, और हमें लगभग लेनी है ये पौनी कड़छी, मतलब भर के नहीं लेनी है, आधी से ज़्यादा। जो मेरा घी है वो अच्छी तरह से गर्म हो गया है, इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा। जीरे के साथ ही हम ऐड कर रहे हैं पीसी हुई काली मिर्च, वो भी 1/2 चम्मच, इतनी सी आपको लेनी है काली मिर्च। और हम लोग अपना गैस बिल्कुल सिम पे रखेंगे ताकि वो जो काली मिर्च हमने पीसी हुई डाली है वो जले ना। और साथ ही हम इसमें ऐड करने लगे हैं अपना चना मसाला। चना मसाला आप कोई भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हो, मैं यूज़ कर रही हूँ MDH का। तो हम 1 चम्मच इसमें चना मसाला डालेंगे, तो अच्छी तरह से हिलाते रहेंगे 2 से 3 सेकंड के लिए। और साथ में मैं ऐड करने लगी हूँ अपने पीसे हुए टमाटर जो हमने ग्राइंड किए थे थोड़ी देर पहले, इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। हम लोग साथ में ऐड करेंगे ये 2 हरी मिर्चें। हरी मिर्चें हमें काटनी नहीं है, हमें इसी तरह से
दो हिस्सों में लंबी ऐसे रखनी है, इसको ब्रीक ब्रीक नहीं काटनी है, हमें दो हिस्सों में ऐसे काट के इस मसाले में साबुत मिर्ची डाल देनी है। अब हम अपने गैस को तेज कर सकते हैं और साथ में इस मसाले को हलाते रहेंगे। तो गाइस, जब तक चने उबल रहे हैं और मसाला पक रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों से बातचीत कर लेती हूँ इतनी देर। मैंने ब्लॉग के स्टार्टिंग में बोला था कि मैं इतने दिन क्यों नहीं मिली आपको, इसका रीज़न क्या है। तो इसका रीज़न दोस्तों मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कि हम 28th को भूवी के बर्थडे के ठीक अगले दिन हम चंडीगढ़ गए थे और वहाँ पे हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया था। उसके बाद मैं 2-3 दिन के लिए आई थिंक बठिंडा में रुकी थी, और बठिंडा में रुकने के बाद हम आई थिंक 1 नवंबर को मैं वापस आ गई थी वहाँ से। एंड मैं फिर उसके बाद मैं आठ को सुबह यहाँ से मैं लुधियाना के लिए निकल गई थी, क्योंकि लुधियाना में मेरे कज़न की शादी थी। एंड बठिंडा से आने के बाद जो भी बीच में दिन थे, तो हमने अपनी प्रेपरेशन की शादी की, उसमें भाग दौड़ में व्लॉग नहीं बना पाई, क्योंकि कपड़े भी अरेंज करने थे, भूवी की ड्रेस भी अरेंज करनी थी, सब कुछ अरेंज करना था। तो उसकी वजह से हम लोग मतलब शॉपिंग में काफ़ी ज़्यादा बिजी थी और मैं व्लॉगिंग नहीं कर पाई थी। 8 को मैं शादी में गई थी, 9 रात को लगभग 10:30 लगभग मैं 9 तारीख को हमीरपुर वापस आ गई थी। एंड बाद भूवी के FA3 एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए एंड उसको एग्ज़ाम की प्रेपरेशन करवाने में बिज़ी होगी, एंड फिर टाइम ही नहीं लगा कि मैं आप लोगों से बातचीत कर पाऊँ या ब्लॉग शूट कर पाऊँ। एंड यहाँ पे हमारे एक इलेक्शंस भी थे, एंड इलेक्शंस के कारण काफ़ी ज़्यादा बिजी चल रहे थे सारे, क्योंकि हमारे खुद एक बहुत अच्छे फैमिली फ्रेंड है, वो भैया खड़े हुए हैं MLA के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए हम बर्करी वगैरह कर रहे थे, तो इसलिए टाइम बिल्कुल भी नहीं लगा शूट करने का। मैं परसों फिर से बठिंडा जा रही हूँ, इसका रीज़न है वो आपको आने वाले व्लॉग में पता लग जाएगा कि मैं 1 महीने से पहले बठिंडा में मेरा सेकंड राउंड कैसे है, क्योंकि मैं इतनी जल्दी बठिंडा जाती नहीं हूँ, मिनिमम मैं 3-4 मंथ्स का गैप डाल के ही जाती हूँ। एंड इस बार मैं कम से कम 3-4 दिन रहने वाली हूँ, इसका रीज़न भी आपको सब आने वाले व्लॉग में पता लगेगा। तो गाइज़, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हो, मेरी ऑलरेडी मेरी YouTube फैमिली हो, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरा आज वाला व्लॉग कैसा लग रहा है। तो हम लोग अब जल्दी जल्दी मिलते रहेंगे, होपफुली कि मैं जल्दी जल्दी से व्लॉग बनाती रहूं एंड आपके सामने आती रहूं। तो अभी चनों को लगभग 3 विसलें आ चुकी हैं, 1 विसल आने का और इंतज़ार करेंगे, उसके बाद हम लोग अपने इंडक्शन को सिम पे। यहाँ पे आप देख सकते हो मसाला बहुत अच्छे से पक गया है, इसका डार्क ब्राउन कलर आ गया है, तो मतलब हमारे जो टमाटर है बहुत अच्छे से पक चुके हैं। अब हम मसाले को बंद कर देंगे। सो गाइस, चने हो गए हैं बॉयल, एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं कि हमारे चने अच्छी तरह से पक गए हैं या नहीं। चलो तो हम फटाफट से कुकर को ओपन करते हैं एंड देखते हैं। ओ माय गॉड यार, एक हाथ से कुकर खोलना इट्स स्ट्रगल। ओ सो ये हमारे चने हो गए हैं तैयार, आप देख सकते हो अच्छी तरह से मैश भी हो रहे हैं। अब ये जो पोटलियां हैं हम इसको निकाल लेंगे बाहर। आप इस कपड़े को दोबारा रीयूज़ भी कर सकते हो, ये अंदर वाला मटेरियल फेंक के इसको अच्छी तरह से वॉश करके रख सकते हो, नेक्स्ट टाइम भी आपको ये यूज़ेबल होंगी ये वाले क्लोथ्स। मधानी की हेल्प से हल्के हल्के चनों को है वो मैश कर देंगे, बिल्कुल हल्के हाथ से करना है, हमें ज़्यादा मैश नहीं करने हैं, बिल्कुल थोड़े थोड़े। सो इन चनों को हम लोग मिक्स कर देंगे अपने मसाले में जो हमने अपना मसाला तैयार कर लिया है, और हम लोग साथ में इसमें डालेंगे सूखी कस्तूरी मेथी। कस्तूरी मेथी हम टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे और अपने अनुसार डालेंगे, जितनी आपको अच्छी लगती है। मुझे कस्तूरी मेथी लिटरली बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मैं थोड़ी सी ज़्यादा ऐड करती हूँ हमेशा, तो आप अपने अकॉर्डिंगली इसको डाल सकते हो। अच्छी तरह से बॉयल आ चुका है अब मेरे चनों को, और अब मैं ऐड करने लगी हूँ ये आमचूर मसाला। आप चाहे अपने घर का पिसा हुआ यूज़ कर सकते हो या फिर रेडीमेड जो यूज़ करने के लिए मार्केट्स में आता है वो वाला। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच ऐड कर दिया है, तो आप अपने स्वाद अनुसार देख लेना कि आपको कितना चाहिए।
आप ये चनों की रंगत देख सकते हो कितनी अच्छी रंगत आई है और कितना अच्छा टेस्ट भी लग रहा है देखने में। तो हमारे जो पंजाबी छोले हैं यानी कि अमृतसरी छोले बनके हो गए हैं बिल्कुल तैयार। तो इसको 2-3 मिनट तक का बॉयल आने देंगे एंड उसके बाद हम लोग गैस फ्लेम को बंद कर देंगे। सो गाइस लो जी मेरे अमृतसरी छोले हो गए हैं बिल्कुल तैयार, आप देख सकते हो। बस इसके आगे कुछ नहीं, एंड है सारी चीज़ें। इतनी अच्छी फ्रेगनेंस आ रही है, इतना अच्छा रंग रूप आया है चनों का। एक बार आप भी देखिए इसकी लुक, देखो कितने देखने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लग रहे हैं। एक बार मैं आपको दिखाती हूँ, जस्ट वेट। हमारे चने हो गए हैं तैयार। अब मैंने ले लिया है स्पून अपने हाथ में, क्योंकि मेरा जैसे होता है ना कि जीभ लचक रही है चनों को टेस्ट करने के लिए। तो हम अभी अभी जस्ट एक स्पून से अपने चने टेस्ट करेंगे। ऐसे बने, ऐसे मैं तो अभी बस लंच करके हटाऊं। ऐसे बनाए चने, चने आज तो बोलते ना पटाखा। एंड चटनी भी दिखाओ इनको, जो आपने चटनी बनाई है। मैंने नहीं बनाई चटनी, पापा ने बनाई धनिया की। और चने बने हैं हमारे लाजवाब, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बने हैं चने। सो गाइज आप लोग ये रेसिपी ज़रूर अपने घर में ट्राई कर सकते हो। आप भी अमृतसरी छोले घर में बैठ के बना सकते हो और ये चनों को हम खा सकते हैं पूरी के साथ, भटूरों के साथ, राइस के साथ चने खा सकते हैं और चपाती के साथ। ज़रूर टेस्ट करना एंड एक बार ये चने अपने घर में भी ट्राई करके देखना एंड मेरे साथ ज़रूर शेयर करना कि आपकी जो रेसिपी है वो कैसी बनी है और कितनी ज़्यादा स्वादिष्ट बनी है। कमेंट करके बताना अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो। हमारे घर में एक बंदा पागल हो गया चनों के पीछे, इनको 2 कटोरी चने क्या खिला दिए, ये बंदा डोंगा लेकर ही घूमने लग गया पूरे घर में और बोल रहे कि ये सारे चने मेरे हैं। देखा है ऐसा, इतना पागल कोई बंदा देखा है आपने, इतना सनकी इंसान। कौन है ये इसका कारीगर, कौन है बताओ मुझे। उसको हम हीरों के हारों से क्या कर देंगे, तोल देंगे, तोल देंगे। कौन है ये, मैं ये हाथ तुम जाने मन कहाँ है ये हा। हीरे तो है नहीं पर चीज बड़ी मस्त है। गाइस पूछो मत, मुंह में पानी आ रहा है अभी, केक और कटोरी में सोच रहा हूँ कि खा लूं। नहीं नहीं बस रहने तो, दो बिकने भी खाने और मैंने अभी राइस बनाने थोड़ी देर में। उठा के मत घूमो गिर जाएगी पूरी सब्जी है इस बंदे का कोई दीन धर्म। सो गाइज मैं जस्ट अभी अभी फ्री हुई हूँ, लंच वगैरह करके हो गए थे सारे फ्री। अभी मैंने कुछ भी नहीं करना, अभी सिर्फ एक काम करना था कि वीडियो बनाते बनाते मम्मा का 3-4 बार कॉल आ गया बठिंडा से, तो मैं फटाफट से उनसे बात कर लेती हूँ एंड तब तक मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ आपको। बाय बाय।